आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हमने कल बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने का कार्य करती है, और यह वांछित परिवर्तन जो होता है वो किसी नियम के तहत होता है। धीरे धीरे होगा, एक साइड में होगा, एक दिशा होगी, निरंतर होगा, सारी चीज़ें होती। कहने का मतलब यह है कि वृद्धि और विकास जो होता है वो ये इसलिए जानना आवश्यक हो जाता है क्योंकि इसी के द्वारा ही फिर हम शिक्षण व्यवस्था का व्यवस्था करते हैं, उसका इंतज़ाम करते हैं कि किस तरीके से इस एज का बच्चा है तो इसको क्या पढ़ाया जाए, इस तरीके से अगर इस एज का बच्चा है तो इसका इस समय शारीरिक विकास कैसा है, मानसिक विकास कैसा है, संवेगात्मक विकास कैसा है, सामाजिक विकास कैसा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग पढ़ाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि जो होती है इसे अमूमन क्या करते हैं कि वृद्धि और विकास को दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग एक ही अर्थ में करते हैं, जबकि ये निहायत गलत हो जाता है क्योंकि वृद्धि दूसरी चीज़ है, विकास दूसरा चीज़ है। वृद्धि जो है एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि विकास जो होता है एक बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो जहाँ तक वृद्धि की हम लोग बात करते हैं तो वृद्धि जो होती है वो वृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के वो जो भी आकार, भार और उसकी कार्य क्षमता में परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं, और वो ऐसी वृद्धि होनी चाहिए जिसका मापन संभव हो। सोरेनसन ने परिभाषा दी, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सोरेनसन ने एक परिभाषा दी कि मानव शरीर और शारीरिक अंगों के वो आकार, भार तथा उसकी कार्य क्षमता में होने वाला परिवर्तन जो होता है, और ऐसा परिवर्तन हो जिसका मापन संभव हो। अगर हम लोग माप नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, तब वो कुछ और है, तब वृद्धि नहीं है। वृद्धि जो होती है वो मनुष्य के शरीरों के वो आंतरिक और बाह्य दोनों कंडीशन में होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक की अगर हम लोग बात करें तो जिसे जो बढ़ता है, हमारा रक्त बढ़ता है, और रक्त, कंकाल, अंदर से जितना हमारा परिवर्तन होता है, फेफड़ा सब जो होता है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। कारण ये होता है कि हम इसे देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जहाँ बाह्य की बात करते हैं तो बाह्य में अगर आप देखेंगे तो हमारा हाथ है, पैर, सिर, सब ये जो होता है वो बाह्य होता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि ये इसका एक एज लिमिट होता है, अमूमन इसको हम लोग 18 साल मानते हैं, इसको 18 साल मानते हैं, जिसको हम लोग परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं, जिसे परिपक्वता या मैच्योरिटी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कहा जाता है कि वृद्धि जो होती है वो डायरेक्ट मेजर की जा सकती है। कहने का मतलब है कि आपकी हाइट को हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, 5 फीट है, 7 फीट है, 6 फीट है, 4 फीट है। आपका वेट हम लोग मेजर कर सकते हैं और ये देखते हैं कि आप 50 किलो के हैं, 55 किलो के हैं, 45 किलो के हैं, और ये इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, हम लोग इसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं ना कि आज जो है आपकी हाइट 4 फीट थी, परसों एक साल बाद हम आपसे मिले तो आपकी हाइट 4.5 फीट हो गई। तो हमने कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो है कि आप मेजर भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो वृद्धि के होते हैं। सोरेनसन की परिभाषा अगर आप याद रखें तो वृद्धि की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। अमूमन सोरेनसन की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो पिछले ईयर के प्रश्नों में ये पूछा गया था कि शारीर मनुष्य के शारीरिक अंगों और शरीर के में होने वाला वह परिवर्तन जिसका मापन संभव हो उसको हम लोग वृद्धि कहते हैं। अब रही बात विकास की,